ये एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। और मैं आप लोग को कुछ दिखाती हूँ पहले। मम्मी को ना पिछले कल ना मम्मी को मधुमक्खी ने खा लिया और हम खा रहे हैं। था बोलो क्या खा लिया? वही बात है, तरह उल्टा उल्टा बोलती है। वही बात है, काटा मम्मी को, इधर काटा पूरे पूरे, मतलब एक साइड पूरे फेस में स्वेलिंग आई है, यहाँ तक मम्मी के दो दो चिन निकल रहे हैं। ऐसा शेक खा रही हूँ, देखो कितना टेस्टी से है। मम्मी साइड फेस से तो अपर किनार वालों जैसे लग रहे हैं, स्पीति वालों जैसे, चिंग पंग जैसे। और अभी हम दोनों जा रहे हैं यहाँ आगे खेत, थोड़ा सा खोदना ही है, अभी कुछ बीजना नहीं है, सिर्फ खोदना ही है। साथ में थोड़ा सब्जी भी उठा के लाएंगे शाम के लिए, हरा सब्जी जो प्राकृतिक ही उग जाता है खेतों में, यही बोलते शायद, प्राकृतिक ही उग जाते हैं। बाकी गलत हो तो कमेंट में बता देना, गालियाँ नहीं देना बस। पुक्कू को लेने के लिए अमन गए हैं आज, वो आएंगे आज। पुक्कू का मुंडन भी हो रहा है साथ में, बाल काफ़ी लंबे हो गए थे ना उसके, पर है तो पतले, लंबे हो गए थे तो जमुरी जैसी लगी थी, फिर बाल कटवा रहे हैं अभी। अमन ने स्कूल से ले लिया है उसको, पुक्कू को लेने भी जाना पड़ेगा। और बाकी 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 पता क्या चीज़ है कि 2 दिन से ना मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पुक्कू की तबीयत ठीक नहीं थी। और मंदिर में उस दिन मैं बताया था कि मंदिर में अगर टाइम लगा तो वीडियो बनाऊंगी, टाइम टाइम तो था पर वीडियो बनाने का नहीं था, कुछ भी नहीं बना सकते थे, सिर्फ देवता पूछने गए था उस दिन। और तो दोस्तों अभी मैंने दादी का दौड़ू धोने के लिए लगाया हुआ है, इसकी मड़ाई कर रहे थे और दौड़ू का इसको कर दिया। पुक्कू हटो बेटे, गीला ही हटो, नया है ना ये, सिंपल दौड़ू, टी वाला, टी वाला। तो अब इसको अब ऐसी फोल्ड करके रखेंगे ना, अभी ऐसी फोल्ड करके रखेंगे, ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, ऐसा करेंगे। ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर, है ना? सेटिंग करना है। देखिए दोस्तों, इस खेत में फ्लोरिंग हो गई है सुबह सप्रे करा। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं पुक्कू के लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बना रही थी। दोस्तों मैं खेत पहुंची ही थी कि मुझे अमन ने फोन करा कि पुक्कू को लेने के लिए। कैसे परे से निकल गया वो, बोला मैंने ड्यू लाने के लिए, ठेके से परे, ठेके के पास रुक गया शायद। तो मैं अभी पुक्कू को लेने के लिए जा रही हूँ, वो काफी पहुंच गया, मैं आधी तक जाऊंगी। पुक्कू को मैं यहीं पे खेत में लेके आऊंगी।
नहीं बोलते नीचे नहीं जाना आपने तो आप ही को गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला देखो पर कहा जा रही है दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास स्पीति से एक बच्चा आया है हमने किडनैप करके लाया है स्पीति से एक बच्चे को दोस्तों हमने इतना खोद दिया है ये थोड़ा सा रह गया पर हम बाद में खोद लेंगे क्योंकि बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है मैंने स्वेटर भी नहीं लगाया मैं बात करते रहता हूँ और हम जाएंगे घर की और बाकी मैंने थोड़ा सा सब्जी उठा दिया है आलू निकले तो आलू के साथ मिक्स कर लूँगी बाकी चलिए मिलते हैं घर पर दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर और घर पहुंचते तक हम बिक गए क्योंकि बेड़ी और गाय को भी बंद करना था अगला राम कहाँ है बाल है सिर पे बाल दिख रहे हैं आपको नहीं दिख रहे हैं हे एवरीवन गुड इवनिंग तो अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और मम्मी गए हैं गाय के पास गाय धोने के लिए अभी आए नहीं बाकी मम्मी ने मुझे सब्जी काट के दे दिया था और अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी और एक घड़ी के लिए हुई बारिश थोड़ी देर ही हुई वैसे ही रुक गई अगर और थोड़ी देर नहीं होता तो हमने वो पूरा खोद के ख़त्म करके ही आना था बाकी मौसम अभी साफ हो गया है मैं दिखाती हूँ अभी भी धूप है उधर से पीछे से पीओ बस भी आ गई है पीओ वाली मशीन आज केटीसी नहीं आई है श्रीमान कहाँ की अच्छी पड़ेगी आपने में रहने के बाद घूमने के ही काम है इनके लिए चांद निकल गया अभी से हे एवरीवन तो मैंने सब्जी बना लिया है और अब मैं हीटर पे चिल्टा बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं फाफड़े का चिल्टा बना रही हूँ तो ये है फाफड़े का आटा ये दरअसल में हरे रंग का होता है पर इसमें लग नहीं रहा होगा पता देखो ऐसे हरे रंग का होता है
चिंता।